हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोटर कार्ड के बारे में, यानी कि मतदाता पहचान पत्र। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी मतदाता पहचान पत्र नहीं है, यानी कि वोटर कार्ड नहीं है। तो अगर आप एक साइबर कैब संचालक हैं, साइबर कैब चलाते हैं, या साइबर कैब आप ओपन करने की सोच रहे हैं और आपको नहीं पता है कि वोटर कार्ड के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, और दोस्तों साइबर कैब से रिलेटेड आप किसी भी प्रकार का वर्क सीखना चाहते हैं या काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से साइबर कैब का काम किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे वोटर कार्ड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप जिनका भी वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पहले ले लेना है, तो दोस्तों उनका एक आधार कार्ड लेना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है, और उनके घर के किसी भी सदस्य का, जैसा कि आप पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं तो उनके माताजी या उनके पिताजी का वोटर कार्ड ले लेना है, या किसी महिला का कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड हो या उनके लीगल जो भी गार्जियन है उनका वोटर कार्ड आपको ले लेना है, उनका ईपिक नंबर लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो ईपिक नंबर लगेगा वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि वो ईपिक नंबर आपको कहाँ फिल करना है, किस प्रकार से वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। तो चलिए लिए चलते हैं आपको अपने पीसी के स्क्रीन पे और देखते हैं कि वोटर कार्ड के लिए हम किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, तो दोस्तों पीसी के स्क्रीन पे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि वोटर कार्ड के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पीसी के स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि नया वोटर कार्ड किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको अपना लैपटॉप या पीसी ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in, उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मतदाता सेवा पोर्टल जो ओपन होगा इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो इसका लिंक दोस्तों हम आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से जाके क्लिक करके आप इस साइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा सर्विस दिया गया है, इन सारे सर्विस को यूज करने के लिए पहले आपको इस पोर्टल में लॉगिन होना है। तो लॉगिन अगर आपने अभी तक अपना आईडी पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करके आप अपना आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं बनाने आता है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसमें किस प्रकार से साइन अप करना है उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, हमने साइन अप पहले से कर रखा है तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद इस पोर्टल में आप तीन तरीके से लॉगिन हो सकते हैं, पहला मोबाइल नंबर, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा ईपिक नंबर। ये जो तीनों चीज है आपने साइन अप करते वक्त ये तीनों चीज आपने डाटा फिल किया था। तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फिल करके रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जिस मोबाइल नंबर से मैंने इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी हम आगे फिल करेंगे। तो चलिए पहले इतना डाटा फिल करके रिसेंट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया है और मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे हम ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ जो ये टाइमिंग चल रहा है, टाइमिंग खत्म हो जाने के बाद रिसेंट ओटीपी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, तो वेरीफाई एंड लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मतदाता सेवा पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, न्यू वोटर कार्ड के लिए किस प्रकार से अप्लाई करेंगे
उसी के बारे में जानकारी लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से अपने स्टेट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जब स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, तो फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लिए। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना असेंबली सिलेक्ट कर लेना है। असेंबली जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ नाम फिल कीजिएगा और उनका जो सरनेम है यहाँ फिल कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ हिंदी में हो जाएगा। तो चलिए जैसा कि यहाँ पे मैं एक नाम आपको फिल करके दिखा देता हूँ। और इधर साइड में क्लिक करूंगा तो इधर ऑटोमेटिक जो है हिंदी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इनका जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम भी टाइप कर दिए। लास्ट नेम टाइप करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है और इनका जो फोटो है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर अपलोड करना है और 2 MB से JPG और JPEG फाइल में ही होना चाहिए। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इनका फोटो को सेलेक्ट करेंगे और इधर से छोटा बड़ा जितना करना चाहे कर सकते हैं। और इधर से अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इधर से सीधा भी कर सकते हैं। तो चलिए इनका फोटो को हम थोड़ा सा आउट जूम कर लेते हैं, इतना ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इनका फोटो जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है और यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद उनके रिलेशनशिप में कौन है, रिलेटिव कौन है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे उनका हस्बैंड का नाम देना चाहेंगे तो हस्बैंड सेलेक्ट किए और उसके बाद यहाँ पे उनके हस्बैंड का हम नाम टाइप कर देंगे, यहाँ पे सरनेम भी टाइप कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए मानकर चलिए यहाँ पे हमें कुछ और टाइप करना है, हिंदी में मेरा नाम गलत है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी हम लिखना चाहें वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो गलत नाम है आप उसे सुधार सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। तो जिनका मोबाइल नंबर फिल करेंगे उनका सेल्फ है या रिलेटिव में किसी का मोबाइल नंबर है, तो हम सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर फिल कर लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है आधार नंबर फिल करने के लिए। अगर उनके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार नंबर को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आधार नंबर टाइप कीजिएगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर फिल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने आधार नंबर फिल कर दिया है, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो डाटा आप नहीं फिल कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाला ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेल और थर्ड जेंडर जो है ब्लैंक है, ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने फीमेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो फीमेल वाले को सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो यहाँ कैलेंडर के माध्यम से हम उनका डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल को नीचे करेंगे। स्क्रॉल नीचे करने के बाद दोस्तों कहाँ है इनका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से हम इनका डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ में आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, क्लास 12, जो भी आप इंडियन पासपोर्ट जो भी देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ से आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और इनका आधार कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब तक आधार कार्ड अपलोड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट नहीं होगा, तो हम वेट कर ले रहे हैं जब तक आधार कार्ड अपलोड हो रहा है। तो आधार कार्ड अपलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे वो मैक्सिमम 2 MB में होना चाहिए, JPG, PNG और PDF फाइल में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उनका जो पता है, जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो
तो चलिए यहाँ पे सारा डाटा हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों उनका एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी कि उनका जहाँ पे स्थान है, जहाँ पे उनका एड्रेस है, उसमें आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं। तो यहाँ से वाटर, इलेक्ट्रिक, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हैं इनमें से सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। तो जब तक यहाँ पे अपलोड हो रहा है तब तक ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है, फिर से हम बता दें हाईलाइट नहीं होगा। तो देखिए अपलोड हो चुका है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नो कर देंगे क्योंकि विकलांग नहीं है। अगर विकलांग है तो यस करेंगे और विकलांग का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उनके फैमिली में किसी एक रिलेशन का यहाँ पे उनका आपको नाम टाइप करना है। यहाँ पे उनका मदर है, सॉरी फादर है, मदर है, हस्बैंड है, जो भी है यहाँ से सेलेक्ट करना है और उनका एपिक नंबर टाइप करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इतना डाटा हम फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने डाटा फिल कर दिया है, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विलेज टाउन लिखेंगे, तो यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट का ही नाम लिख देते हैं और फिर यहाँ से उनका स्टेट लिखेंगे, टाइप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई सा भी एक डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्लेस हम टाइप कर देंगे। प्लेस टाइप करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है, तो हम दूसरा कैप्चा मंगा ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने दूसरा कैप्चा ले लिया है, तो यहाँ से हम कैप्चा भी टाइप कर देते हैं। दोस्तों कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए उनका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, तो यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ आपको फिल करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल पे ओटीपी आया है या नहीं। तो दोस्तों ओटीपी हमने फिल कर दिया है, ओटीपी फिल करने के बाद फिर व्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सारा डेटा चेक कर लीजिएगा सही है ना, अगर आपका डेटा सही है तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो हाँ हम सबमिट करना चाहते हैं, तो यस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेवर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे भी एक रेफरेंस नंबर भेज दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे आप अपने लिए या आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए न्यू वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद आप अपने कस्टमर या जिनको भी देना चाहे दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से वोटर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।